नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नवतेज टीवी में। मैं हूं विपुल माहेश्वरी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कश्मीर के तंगमर्ग में बैंगिंग सिविल सोसाइटी के बैनर तले डी एडिक्शन सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में तंगमार्ग और कुंजन के विभिन्न समस्याओं के छात्रों उपस्थित हुए। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों, शिक्षण संस्थाओं को नशा मुक्त कराने के लिए जागरूक किया गया। खबर जयपुर से है, जहां आईपीएस पंकज चौधरी के नेतृत्व में राष्ट्रीय अपराध मुक्ति मोर्चा अभियान की शुरुआत की गई। चर्चा के लिए एक सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें अपराध एवं भ्रष्टाचार पर चिंतन किया गया। इस आयोजन के मुख्य वक्ता और मोटिवेटर आईपीएस पंकज चौधरी और राधा कृष्णा गोस्वामी रहे। देश में बढ़ते अपराध पर रोक लगे, इसके लिए नवतेज टीवी के एडिटर इन चीफ रोहित तिवारी ने भी चर्चा में अहम भागीदारी निभाई। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 14 मार्च 2019 को राजनीतिक पारी में जाने का मैंने निश्चय किया था, और आपको याद होगा कि बाड़मेर लोकसभा से मैंने अपना नामांकन भरा, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि इस राजनीतिक परिपेक्ष में आने पे बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कहीं ना कहीं ये बाध्य करती हैं कि क्या हमारी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, क्या हम संवैधानिक संस्थाओं पर पूरी तरह आश्वस्त हो सकते हैं। तो जैसा मुझे याद है कि 1 अप्रैल 2019 को जब एक प्रत्याशी बाड़मेर के प्रत्याशी के रूप में जब मैं इलेक्शन कमीशन गया और वहाँ पे जाके हमने मांग की कि चूँकि मैं लोकसभा का प्रत्याशी हूँ, मुझे एक सर्टिफिकेट चाहिए जो इसकी अनिवार्यता है। मुझे याद है कि 1 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल को मैंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। नामांकन के दिन तक भी तमाम रिमाइंडर के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ऐसी बड़ी संस्था जो लगातार आश्वस्त करती रही कि ये आपका राइट है, आपको ये मिल जाएगा, लेकिन 8 अप्रैल को जब मैंने नामांकन जारी किया, आरओ बाड़मेर से मैंने पूछा कि मैं तो वहाँ खुद अपीयर होकर आ गया हूँ, और उन्होंने बोला था कि आपके सर्टिफिकेट इशू हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर सर्टिफिकेट नहीं इशू हुआ तो कहीं कहीं मन में खेद होता है कि इतनी बड़ी संस्था जो है इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। खबर राजस्थान विश्वविद्यालय से है, जहाँ फोन पर एक महिला लेक्चरर को दुष्कर्म की धमकी मिली है। आपको बता दें, धमकी किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर दी है। इसके साथ ही अज्ञात व्यक्ति ने महिला के साथ दुष्कर्म और बच्चों को मारने की धमकी भी दी है। महिला लेक्चरर ने मुख्यमंत्री से मिलने के लिए समय मांगा है, साथ ही गांधीनगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। उनके इंटरनेट पे जो फोटोज हैं उन लोगों के, वो भी वायरल कर रहे हैं। वो लोग उनको अजीब अजीब सी धमकियां दे रहे हैं। इवन आप होप नहीं कर सके कि टीचर्स को रेप तक की धमकियां दी जा रही हैं। और जब उन्होंने वीसी साहब से इस बारे में बात करी तो वीसी साहब ने सिर्फ उनको आश्वासन दिया कि हम लोग इस पे कार्रवाई करेंगे, पर अभी तक उनकी तरफ से भी कोई कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने गांधीनगर थाने में जाके शिकायत करवाई, FIR दर्ज करवाई है, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन कोई सख्त कदम नहीं उठा पाया। इवन आज 1 हफ्ता हो गया और अभी तक अपराधियों का पता नहीं चला है। नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिलिंग की ओर से दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में सभागार में भारत श्री सम्मान 2019 वे अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर थल सेना, वायुसेना और रेलवे पुलिस सहित सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विभागों की हस्तियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर अपनी सादगी के लिए फेमस सांसद प्रताप सारंगी सहित कई कैबिनेट मिनिस्टर मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर विभिन्न राज्यों के शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित हुए आदरणीय श्री प्रताप चंद सारंगी ने भी देश के वीर जवानों की कर्तव्य निष्ठा को नमन करते हुए देश के शहीद हुए वीर को नम आंखों से याद करते हुए उन्हें नमन किया। सर, आज का जो कार्यक्रम है वो हमारे देश के पूर्व सेना के अधिकारी सूरज सिंह जी, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती के खिलाड़ी थे, और जब देश स्वतंत्र भी नहीं हुआ था तब से लेके अभी बीते वर्ष तक जो उनकी लाइफ चल रही थी, अभी पिछले बरस ही हमने उनको खोया। उन्होंने हमारे देश को बहुत सारे गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक, और आप अगर जानते होंगे तो पुराने ज़माने में तो कोई कांसे का गिलास, चांदी की प्लेट, ऐसी चीज़ें मिलती थी, तो इतिहास में उनका नाम ही कहीं गुम होकर के रह गया। हमारी संस्था को जब उनके बारे में पता चला तो हमने प्रयास किया कि हम एक ऐसा सम्मान समारोह करेंगे जो पूरी तरह उनको डेडिकेट होगा। आज का ये कार्यक्रम पूरी तरह जल सेना, थल सेना, वायु सेना, हमारे पुलिस अधिकारियों और RPF को समर्पित था, हमारे देश के सैनिकों को समर्पित था। हमने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता को, समाज को एक मैसेज दिया है कि जितना हो सके हमें इनके बलिदान को भूलना नहीं चाहिए। इन्होंने पूरे तन मन से हमारे देश की सेवा की है। आज हम जितना भी यहाँ सुरक्षित फील करते हैं अपने आप को, उसमें इन सबका बहुत बड़ा योगदान है। यूपी के एटा से खून के रिश्तों को तार तार करने वाली खबर सामने आई है, जहां पीड़िता ने अपने परिजनों और मामा पर गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना के पीछे प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। घटना के बाद पीड़िता के परिजन मौके से फरार हैं।
फिलहाल पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। मलावान थाना क्षेत्र में मलावान सिटी रोड पे एक लड़की जिसकी उम्र 16-17 के बीच में गर्दन में गोली लगी हुई थी, नहर के किनारे पटरी पे पड़ी थी, गांव वालों ने निकाल के बाहर रखा था। पुलिस सूचना मिली, पुलिस के वहाँ पर गंभीर रूप से आ रही है। उसने ये बताया कि रात में उसके माँ बाप और मामा मोटरसाइकिल बैठा कर लाए थे और यहाँ उन्होंने गोली मार कर उसको डाल दिया है। इसके आधार पर उसका मजिस्ट्रेट का बयान कराया गया है और सीरियस होने के कारण उसको रेफर किया गया है अलीगढ़ के लिए। अलीगढ़ में इलाज जारी है और इस संबंध में तहकीक कराया जा रहा है और इसमें कौन इमाल है और क्या कारण है इसकी जांच चल रही है बहुत जल्दी। यूपी के मुरादाबाद से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां बाइक सवार युवक डिसबैलेंस होकर गिर गया, जिसके पीछे आ रही तेज रफ्तार बस ने युवक को कुचल दिया। वारदात की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। खबर यूपी के शाहजहांपुर से है, जहां बदहाल कानून व्यवस्था को सुधारने और सपा कार्यकर्ताओं को फर्जी मुकदमे में फंसाने के आरोप में सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सपाइयों पर उत्पीड़न को नहीं रोका गया तो प्रदर्शन तेज कर दिया जाएगा। आंदोलन का रास्ता हम लोग सड़कों पर निकले हैं, आज आपने देखा है सड़कों पर निकले हम लोग, दूर नहीं है, पीछे नहीं है कहीं पर भी। समाजवादी पार्टी संघर्ष के मामले में पीछे नहीं रही है कभी भी। माननीय अखिलेश यादव जी का फरमान है कार्यकर्ताओं के लिए, हम लोग पूरी तरह से समाजवादी पार्टी हर बुरे वक्त पे उसके साथ खड़ी है और कंधे से कंधा मिलाकर हमारे पार्टी के सारे नेता। यूपी के बरेली में निजी बस में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। चलती बस में आग लगने के बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। ड्राइवर के सूझबूझ से बस को सड़क किनारे रोककर यात्रियों को बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि बड़ी जनहानि होने से बच गई। यूपी के शाहजहांपुर में बेकाबू ट्रक एक मकान में घुस गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पशु के ट्रक के सामने आने के चलते ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और ट्रक एक मकान में जा घुसा। ये दरमियान 1:30 बजे करीब यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर 1:30 बजे के बाद में, तो उसमें रात में जो डॉक्टर साहब देख रहे थे उनके अनुसार जो है एक अज्ञात जो है एक व्यक्ति था जो कि मृत अवस्था में आया था, जिनको डॉक्टर ने डिक्लेयर करा था ब्रॉड डेड। यूपी के बरेली में अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है, जिसके सूचना मिलने पर मौके पर SDM ने एक ड्राइवर समेत 3 JCB को सीज किया है। फिलहाल पुलिस 3 JCB की रिपोर्ट जिला अधिकारी को सौंपेगी। चारपुर गांव में अवैध खनन किया जा रहा है, तो हमारे निर्देश पे नायब तहसीलदार फरीदपुर मौके पे गए और वहाँ पे उन्होंने पाया कि कुछ JCB जिनकी संख्या 3 बताई जा रही है, उनके द्वारा अवैध खनन किया जा रहा था। उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए वहाँ से मौके से एक ड्राइवर सहित 1 JCB को पकड़ा गया, बाकी पुलिस के सुपुर्द कर दी गई। मौके से ड्राइवर फरार हो गए थे और उनके खिलाफ नियमानुसार जो भी कार्रवाई है वो की जा रही है। MP के शिवपुरी में भारी बारिश ने बड़ी तबाही मचाई है, जिसके चलते नदी बाढ़ उफान पर है, जिसके बाद से ही लोग जान को जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। हालांकि मौके पर किसी भी बड़ी घटना को देखते हुए पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखाई दे रहा है। MP के बैतूल के भेसदेही तहसील के ग्राम पंचायत में यात्री प्रतीक्षालय में ग्राम के दबंगों ने कब्जा कर लिया। ग्रामीणों का कहना है कि मामले की शिकायत के बाद भी अब तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है। बिहार के बेगूसराय में करंट लगने से किशोर की मौत हो गई। घटना बछवाड़ा इलाके की है। किशोर घर के बाहर गया था, तभी किशोर नंगे तार की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। ये ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहा था, रास्ते में बिजली की तार टूटी हुई थी तो देख नहीं पाया और बिहार की बेगूसराय पुलिस और उत्पाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब बरामद की है। पुलिस ने बीरपुर थाना इलाके में छापेमारी कर 40 कार्टन विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई की गई उत्पाद विभाग और बेगूसराय पुलिस के द्वारा, जिसमें करीब 40 पेटी शराब बरामद हुई है और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, उससे हम लोग आगे पूछताछ कर। बिहार की बेगूसराय पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने चोरी के जेवर व अन्य सामान बरामद किए हैं। चोरी की बढ़ती घटना के बाद पुलिस ने टीम गठित कर अभियान चलाया था, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इनमें बेगूसराय जिले के टाउन थाना क्षेत्र में गृहभेदन की कई घटनाएं हुई, 3-4 घटनाएं हुई महत्वपूर्ण, जिसमें आभूषणों की चोरी की गई। इन कांडों के उद्भेदन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थानाध्यक्ष नगर,
थानाध्यक्ष रिफाइनरी, डीआईयू प्रभारी और जेएसआई टाउन वरुण कुमार, इनको शामिल किया गया इसमें ताकि इसमें जल्द से जल्द उद्भेदन करके अपराधियों को गिरफ्तारी किया जा सके। राजस्थान के डूंगरपुर में श्री कृष्णा कल्याण सेना संस्थापक जिग्नेश वैष्णव ने के सानिध्य में श्री कल्लाजी शिव अन्नपूर्णा पंच धाम राजपुर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का पोस्टर विमोचन कर बैठक की गई। इस अवसर पर कई कार्यक्रमों की चर्चा की गई, जिसमें वांगड़, मेवाड़, मालवा, मारवाड़ समेत गुजरात, मध्य प्रदेश के श्रद्धालु गुरु पूजन हेतु उपस्थित होंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नवतेज टीवी।